नमस्कार फ्रेंड्स, सात्विक रसोई में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अपनी रसोई में बनाएंगे मंगोची, जो कि ये देखने में बेसन की कढ़ी की तरह आपको लग रही होगी, पर ये भार्गवास की सिग्नेचर डिश है, जो कि बिल्कुल ही डिफरेंट होती है कढ़ी से। स्वाद में भी अलग ही होता है, बनाने का तरीका भी एकदम अलग है। चलिए अब इसको हम बनाना शुरू करते हैं। ये हमने बनाई है येलो वाली मूंग दाल से। इसको रात भर के लिए पानी में भिगो दिया था। अब इसको ग्राइंड करने से पहले सारा पानी निकाल दिया। ज़रूरत अनुसार 1 से 2 चम्मच आप पानी डाल सकते हैं, क्योंकि हमें इसका स्मूथ पेस्ट बनाना है। ये बन चुका है हमारा। इसमें नमक मिर्च थोड़ा थोड़ा ही मिलाया है, क्योंकि इसकी ग्रेवी में ही हम मिलाएंगे, और अदरक मिलाई थी। अब इसको बहुत अच्छी तरह फेंटना है, ताकि ये फ्लफी हो और हमारी पकौड़ी बहुत ही सॉफ्ट बने। इसके लिए तेल गरम कर लिया है, और अब छोटी छोटी हम पकौड़ी तोड़ेंगे इसमें, जो कि फूल जाएंगी। और अभी इसको हमें पानी में भिगोना होगा, तब भी फूलेंगी ये, और उसके बाद जब हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे उसमें भी फूलेगी। इसको उलट पुलट कर हल्का सुनहरा होने तक, हमें क्रिस्पी नहीं करना है, हल्का सुनहरा होने तक तलना है। इसी तरह से ये सब पकौड़ी उतार के तैयार करेंगे, और तुरंत हम नॉर्मल पानी में इसको भिगो देंगे। उतारते चलेंगे, जितने बैच में आप उतारें तुरंत पानी में डालते चलें। पकौड़ी बनाई थी तो उसमें से 1 बड़ी चम्मच बैटर निकाल कर अलग रख लिया था, मतलब दाल के घोल को। उसी में अब हम दही को छानेंगे। अब खट्टा आप देख लें, मेरे ने ताज़ा ही दही लिया है, और जो ज़्यादा है आप अपने खट्टे के अनुसार ज़्यादा कम कर सकते हैं। इस सब की क्वांटिटी आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगी, और ज़रूरत के अनुसार आपको कितना गाढ़ा पतला रखना है उतना डालें। मैंने 2 कप इसमें पानी मिलाया है। देसी घी में हम तड़का लगाएंगे, हींग से, लौंग से और जीरा मिलाएंगे। अब इनके चटकने के बाद हम इसमें मिलाएंगे हल्दी पाउडर, और तुरंत इस घोल को डालेंगे, और तुरंत हमें चलाते रहना है, क्योंकि दही जल्दी फट जाता है। लगातार मध्य आंच पर चलाते हुए इसमें पानी आप कम ज़्यादा अपने अनुसार कर सकते हैं, क्योंकि रखने के बाद थोड़ी गाढ़ी पड़ती है। ये उबाल आ चुका है। अब इसमें हम पकौड़ी मिलाएंगे, हाथ से दबा दबा कर उसका पानी हमें पूरा निकाल देना है, नहीं तो उसमें पानी ज़्यादा हो जाएगा, है ना दोस्तों। बिल्कुल कढ़ी से अलग तरीके से खाने में भी उतनी स्वादिष्ट है। अब इसमें ये गरम मसाला मिलाएंगे, और थोड़ी देर हम इसे पकाएंगे। नमक हम पहले ही मिला चुके थे, उबाल आने के बाद मिलाना होता है नमक। धनिया पत्ती मिला देंगे, और 3 से 4 मिनट और हम इसे पकाएंगे मध्य आंच पर। ये हमारी बनके तैयार हो गई है। अभी से आप चावल है, रोटी है, सब्जी, जिससे जैसा मन करे उस तरह सर्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो और रेसिपी आपको कैसी लगी? यदि आपको पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज ज़रूर दें, और लाइक करें, शेयर अधिक से अधिक करिए। चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करेंगे तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। जल्द ही नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।